नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूपी के सियासत की सबसे बड़ी खबर, अखिलेश यादव देंगे इस्तीफा। अब फिर होगा चुनाव, लोकसभा सीट से चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सपा अध्यक्ष अब दिल्ली की राजनीति की ओर रुख कर सकते हैं। इसके लिए अखिलेश यादव यूपी विधानसभा से इस्तीफा देंगे। दावा है कि वह करल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। दावा है कि अखिलेश यादव विधानसभा से इस्तीफा देकर अपनी सांसदी बरकरार रखेंगे। अखिलेश यादव के करहल से इस्तीफा देने के बाद इस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि चर्चा है कि मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को करहल विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं अखिलेश। विधानसभा से इस्तीफा देने के साथ ही अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष के पद को भी छोड़ेंगे, जिसके बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर कोई नया चेहरा दिख सकता है। हालांकि सपा का नया नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर अखिलेश दिल्ली से लौटकर फैसला करेंगे। लेकिन इस रेस में सबसे आगे चाचा शिवपाल यादव का नाम चल रहा है। वहीं जानकारों की माने तो अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष पद पर भी पीडीए की रणनीति के आधार पर फैसला ले सकता है। अगर ऐसा होता है, शिवपाल यादव के अलावा रामाचल राजभर इंद्रजीत सरोजिया कमाल अख्तर को भी मौका दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा सीट जीतने के बाद प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और देश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में केंद्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी की भूमिका कहीं ज्यादा अहम हो गई है। इस बड़ी जिम्मेदारी को खुद अखिलेश यादव ही संभालेंगे। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात हुई तो भी अखिलेश को बड़े नेताओं से बातचीत करने की अहम जिम्मेदारी दी थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।